स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी अजकल इन्नी ज़्यादा भयानक रूप अख्तियार करती जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे इस लपेट के आ रहे हैं। अज असी गल करन जा रहे हैं जायशा की। जायशा महज 8 महीने की बच्ची है और उसने इस खतरनाक बीमारी ने घेर रखे है और मापियां दी तो जिवें रातां दी नींद तक उड़ चुकी है। हर वो मुमकिन कोशिश जो है मापियां दे वलों कीती जा रही है कि उन्हां दी बच्ची दी जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन मुश्किल इस चीज़ की है क्योंकि बच्ची दे इलाज लई करोड़ों का खर्च आ रहा है और डॉक्टर्स ने दस्सिया कि एक इंजैक्शन जो है इस बच्ची की जान बचा सकता है। एक इंजैक्शन कीमत बहुत ज़्यादा है, कीमत इन्नी के पैरा हेठों जमीन खिसक जाए सुन के कि एक छोटे जे बच्ची के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। 17.5 करोड़ रुपए जुटा पाना एक परिवार के लिए बहुत मुश्किल होंगे। हालांकि कैंपेन्स शुरू की गई ने कि फंड रेज हो सके, मददगार हाथ भी अगे आए ने, लेकिन इन्ने फंड्स नहीं जुटा पाया हाले तक कि परिवार इस बच्ची की जान बच सके। ये बीमारी इन्नी ज़्यादा खतरनाक है कि बच्ची दे एक एक्चुअली प्रोटीन होंगे जो जीन तक पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे और अगर ये इंजैक्शन जो है उसी का काम करेगा, प्रोटीन बॉडी के अंदर पहुँचाने का काम करेगा और तुसी ये सोचो कि अगर ये प्रोटीन जो है बच्ची दे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो हौली हौली मसलर्स बच्ची के मसल्स जो ने वो काम करने बंद कर देंगे। खुदा ना खासा है इतों तक गल पहुँचे, ज़रूरत है उस तो पहला इस परिवार तक जो है मदद पहुंचाई जाए ताकि बच्ची हंसी खेलती अपनी फैमिली दे विच एक एक रोशन जिंदगी जो है वो जी पाए। आज असी चल रहे हैं उसे ही घर दे विच उसे फैमिली दे नाल मिलन दे लई, जायशा दे नाल भी मिलावांगे। जायशा जो बच्ची है वो दिखावांगे। आओ ले चलते हैं थानू और पूरी जो डिटेल है कि अगर तुसी मदद दे लई हाथ अगे वधाना चाहुंदे हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਲਹਾਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया दे विच अज हर कोई दुखी है। एक दूजे दे दुख दे नाल दुख वंडाउणा बहुत वड्डी जिम्मेदारी हुंदी है। अजिहे दे विच सब तो ज़्यादा काम आउंदी है इंसानियत। इंसानियत नूं अंदरों जगा के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि एक दूसरे के दर्द नूं पहचान सकीए और एक दूजे के दर्द दे विच शामिल हो के मदद कर सकीए। अज मदद दे हत्थां दी दरकार जो है एक फैमिली नूं है। बहुत छोटी जी बच्ची, एक छोटा जिहा बच्चा जिसनों स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी है और उसके लिए करोड़ों का खर्चा आ रहा है। ये फैमिली है जो चाहती है कि इन्हों की मदद की जाए। फैमिली के ना गल करांगे और जानने की कोशिश करांगे कि आखिरकार ये बीमारी है किमें और किमें फैमिली नूं पता चलिए और किस तरह की मदद इन्हों हुण चाहिए है। पवनजोत जी ये छोटी जी बच्ची के फादर ने, इन्हों के नाल गलबात करेंगे। पवनजोत जी सब तो पहला तुसी दसो सर, शुरुआत दे विच किवें पता चले? बहुत छोटा जिहा बच्चा तो दस के नहीं बोल के नहीं दस सकता कि की बीमारी है। जब जायशा 6 महीने की हो गई थी तो हम उसके पेडियाट्रिक के पास गए तो मेरी वाइफ ने बोला कि 6 महीने का बच्चा अपना हेड होल्ड करता है, पलटी मारता है, तो वो नहीं करती थी। तो डॉक्टर ने बोला इसकी शायद डेवलपमेंट साइकिल डिले है, आप एक डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पर जाइए, वहाँ पर इसका एक बारी चेक कराइए। वहाँ पर हम गए तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, जेनेटिक टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए, उसकी रिपोर्ट फिर 2 हफ्ते बाद जब आई तो हमें डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे को SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी Type 1 का डिसऑर्डर है। इट्स अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। इंडिया विच सर्वे दे हिसाब दा नाल 8000 बच्चे जो पैदा होंदे है उन्हां विच एक बच्चे नूं इह होंदा है। ते साल में लिविंग बच्चे अगर SMA दे कहंदे है तो 3200 है। तो Type 1 विच की होंदा है अब बच्चा सिर्फ 1.5 से 2 साल ही जी पाता है, उससे ज़्यादा नहीं जी पाता।
उसकी क्योंकि मसल्स श्रिंक कर जाते हैं क्योंकि बच्चे नू सांस लेने में तकलीफ होती है, वो खान में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको पाइप लगा के एक ट्यूब नाल खाना दिया जाता है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चे की, टाइम निकलता है, तो उसको मसल्स वीक और हो जाते हैं क्योंकि उसको जो प्रोटीन चाहिए होता है मसल्स के लिए वो जनरेट नहीं होता। उदे लिए एक ट्रीटमेंट है ज़ोलसेग्मा नाम का, जो USDA कंपनी नोवार्टिस मैन्युफैक्चर कर दी है। उसकी कॉस्ट ट्रीटमेंट की 17.5 करोड़ है, जिदे लिए असी फंड रेज कर रहे हैं। ये असी एक कैंपेन शुरू किया है, जब 6 सितंबर को सानू पता चला, तो 8 सितंबर से हमने ये कैंपेन शुरू किया, जिसमें ये इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन है जिधर ये सारा फंड पार्क हो रहा है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में हम फंड ले नहीं सकते क्योंकि दैट्स नॉट अलाउड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये सारा इम्पैक्ट गुरु फाउंडेशन में जा रहा है, विच इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, जिसमें सारा डोनेशन एज़ पर द लॉ डोनेट हो रहा है बच्चे दे लई, और वहीं से डायरेक्ट पेमेंट उसकी इंजेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। नन्नी जी जान है, लेकिन जो बीमारी है बहुत बड़ी है, और उस बीमारी तो निजात पाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, और मदद ना गल करांगे। सत श्री अकाल जी, सब तो पहले अपना नाम दसो। मैं जायशा दी मदर अशमीन कौर। ये बच्ची है छोटी जी, जायशा इसका नाम है, जायशा छोटा जा प्यारा जा बच्चा है, और इसनू मदद की जरूरत है, और वो थोड़ी जो मदद है इस छोटी जी बच्ची की जिंदगी रोशन कर सकती है, एक घर के खुशियां एक बार फिर तो लिया सकती है। मदद ना गल करांगे। नन्नी जी जान हत्थां दे विच जब तुसी लैंदे हो, और बार बार दिमाग दे विच हमेशा यही आंदा होएगा कि किन्ने इन्नी वड्डी बीमारी दे नाल जूझ रहा एक छोटा जिहा बच्चा। नन्नी जी जान तुहाडी जाहिर जी गल है कि वो दर्द जो है उसनू तां लफ्ज़ां च बयान कर नहीं सकते, लेकिन किस तरह संभाल पाते हो तुसी फिर? मुश्किल तो बहुत होता है, मतलब फैमिली सपोर्ट है, लेकिन एक छोटे बच्चे को संभालना जो कुछ अपना पेन बता नहीं सकती है कि इसको क्या फील हो रहा है, वो क्या महसूस कर रही है, वो अपनी साइड चेंज नहीं कर सकती है, बॉडी मूव नहीं कर सकती है, एक जगह स्टिफ बैठी है, तो अगर हम भी एक जगह नॉन स्टॉप बैठे रहेंगे तो हमारी भी बॉडी पेन होती है। तो इस बच्चे के साथ तो सब कुछ ही, अभी बॉडी बहुत स्टिफ है, मसल्स बहुत वीक है, हाथ पैर नहीं चला सकती, गर्दन नहीं संभाल सकती, तो इसको हर टाइम पोस्चर चेंज करना पड़ता है कि इसको बॉडी पेन ना हो, और ये चीज़ें फेस करना, इसको रियलाइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत पेनफुल है। रातों को तो नींद खराब होती है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट की तो आदत पड़ गई है जैसे कि, बट कोई बात नहीं, मैनेज हो रहा है, ऐसी कुछ नहीं है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ टाइम निकल रहा है। हुण तक कितों कितों इलाज इहदा करवा चुके तुसी, किते किते दिखाया, किहड़े किहड़े डॉक्टर नूं? असी सब तो पहले गंगाराम दिखाया सी, हुण असी एम्स दिखा रहे हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल दे एडमिशन लई इसलिए किया क्योंकि सरकार तो भी जो मदद चाहिए है। कई लोगों ने कहा कि इदा जो भी सरकार से मदद होएगी वो एक सरकारी हॉस्पिटल के पेपर्स प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी, तो फिर हमने इमीडिएटली बच्चे का ट्रीटमेंट एम्स डॉक्टर शिफाली गुलाटी से शुरू कर दिया। हुण तक मदद कितों कितों आई है, किन्ने लोगों ने सपोर्ट किया थानू? बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, सेलिब्रिटीज़ ने बहुत, सब ने अपील की, वीडियोस बनाए, पॉलिटिक्स लेवल पे सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वीडियोस बनाए, आम आदमी पार्टी के कुछ मिनिस्टर MLAs ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने वीडियोस बनाए। हमने परसों ट्यूसडे को कैंप लगवाया था फतेहनगर गुरुद्वारे में, वहाँ से हमें बहुत अच्छा डोनेशन मिला, हर कोई सपोर्ट कर रहा है, फैमिली आगे फ्रेंड्स सब, बहुत दुनिया सपोर्ट कर रही है, बहुत दुनिया। और 17.5 यानी कि 17.5 करोड़ रुपए का खर्च जो है दसिया जा रहा है, और एक इंजेक्शन जो है इस बच्ची की जान बचा सकता है, और अगर फंड रेजिंग की गल की जाए तो कितनी हेल्प थानू हो पाई होता है? अभी 17 दिन विच ऐसी 2.8 करोड़ रेज कर पाए हैं, और बाकी और संगत दे नाल जुड़ रहे असी, और सिख एसोसिएशन साढ़े नाल जुड़ी है, यूनाइटेड सिख, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, बहुत सारी सिख एसोसिएशन भी अब साढ़े कॉज दे नाल जुड़ी है, कैंपेन विच साड़ी मदद कर रही है, आगे गल कर रही है, फॉर ऑल सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज़ दे नाल गल चल रही है कि बच्चे लई जिन्ना हो सके जो जो भी जिन्ना भी छोटा डोनेशन भी जो कमिटीज आ सके वो सारी गल चल रही है सब दे नाल।
और पंजाबी बहुत ज़्यादा जो ने सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रही है, एनआरआई वीर सपोर्ट कर रहे हैं जी बहुत ज़्यादा। इवन पंजाबीज क्या इस टाइम हर धर्म का इंसान हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ इंसानियत के नाते, क्योंकि छोटी बच्ची के साथ किसी का क्या ही वैर होएगा या कि ओके किदा की बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ पंजाबी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे धर्मों के लोग हर कोई सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर इनिशियल ट्रीटमेंट की गल की जाए तो कि कुछ हूँ तक फिजियोथेरेपी या एक्यूप्रेशर या इस तरह का कुछ एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है? हाँ जी, असी ऑलरेडी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपीज बच्चे दे लई कर रहे हैं कि उसकी बॉडी स्टिफ ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन ये इंजेक्शन लगेगा, दिस इज़ अ जीन थेरेपी, जीन इम्प्लांट होना है बच्चे दे अंदर, तो बॉडी अडेप्ट करेगी उस जीन नू, तो बॉडी उसकी स्टिफ नहीं होनी चाहिए कि उसकी फिर आगे और कोई ऑर्गन्स डैमेज हो जाए। तो उसकी डेली ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिजियोथेरेपीज असी कर रहे हैं। बींग अ मदर बहुत वड्डा दर्द है थोड़े लिए, बच्चे नु संभाल पाना बहुत बड़ा दर्द है, और होप के मदद बहुत जल्दी थोड़े तक पहुँचेगी। कोई अपील तुसी करना चाहोगे? बस एक कोई अपील है मेरी सब नाल कि प्लीज़ मैनु फंड्स रेज करन विच हेल्प करो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी तो जल्दी, बिकॉज इस तो पहला बच्चे की हालत और ख़राब हो। मैं चाहनी हूँ जल्दी तो जल्दी, मतलब मेरा वस्त है तो मैं इस हफ्ते च इंजेक्शन लगवा देव, बट जब तक पैसे नहीं होंगे तो असं कि इंजेक्शन लगवा सकते हैं, तो प्लीज़ हर कोई फंड रेज करने विच हेल्प करे ते ताकि मैं जल्दी इंजेक्शन लगवा सकाँ, तो मेरा बच्चा वापस खड़ा हो सके, बैठ सके, क्रॉल कर सके, कुछ भी करे, बट कुछ तो करे। एवं लेटे रहना अपने बच्चे नू देखना बहुत बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा। ये जो है बहुत जाहिर जी गल है कि माँ के लिए भावुक होना बहुत स्वाभाविक है, बच्चा हत्थां दे विच होए हस खेड नहीं रहा है ठीक तरीके दे नाल, और उसनों संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होंदा है, इतनी वड्डी बीमारी है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ने और पॉसिबिलिटीज़ हो पाणगियां, ए मदर एंड फादर ने उस छोटी जी बच्ची दे, और जो चाहते ने कि इन्हों की मदद की जाए, और असी भी अपने दर्शकों नूं ये अपील करांगे कि जल्द तो जल्द इस फैमिली की मदद दे ले, प्लीज़ अपने मदद के हाथ अगे वधाओ ताकि इन्हों का बच्चा हसदा खेडदा एक रोशन जिंदगी जो है गुजार सके। तुसी भी कोई अपील करनी चाहोगे? एक 7 महीने की बेटी के लिए, एक बाप के लिए बस एक ही अपील है कि सब अपन सब एक बेटी को बचाने लिए बाप बस हाथ जोड़ के एक विनती करता है कि जिन्ना तुसी फंड रेस विच साड़ी मदद कर सकते हो बहुत चंगा रहेगा। फंड रेजिंग के लिए कोशिश भी की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ने इसनो फ्रॉड भी समझते हैं, तो प्लीज़ इसनो फ्रॉड ना समझा जाए, क्योंकि बच्चे ने तुसी देखा खुद, और बच्चा जो है उसनों बहुत ज़्यादा बहुत जल्द जो है मदद की ज़रूरत है। इस बारे तुसी थोड़ा जा प्लीज़ श्योर कर दो। ये जो फंड रेज असी कर रहे हैं इंपैक्ट गुरु फाउंडेशन दे नाल कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा फंड जो आ रहा है ये जायशा के अकाउंट में नहीं इंपैक्ट गुरु के अकाउंट में जा रहा है, जो एक फंड सारा उधर पाक हो रहा है बच्चे दे लई, और ये सारा उदी ट्रीटमेंट दे लई इंजेक्शन दे लई आगे पेमेंट डायरेक्ट कंपनी नू जाएगी, ये साढ़े कोल परसनल अकाउंट विच नहीं आ रहा फंड। ये स्कैनर है जिधर तो UPI तो पेमेंट की जा सकती है, ये RTGS NFT IMPS दे लई है, और ये एक स्कैनर असी बनाया है जिधर विच तुसी चेक कर सकते हो कि बच्चे दे लई किन्ना फंड हले तक रेज हो चुका है और किन्ने डोनर्स ने डोनेट किया है। अजे तक 11,500 डोनर्स साढ़े आ चुके ने, और डेली कम से कम 1,000 से 1,500 डोनर्स डोनेशन दे रहे हैं। बहुत सारे मददगार हाथ जो ने अगे आए ने, लेकिन हाले भी बहुत ज़्यादा मदद की दरकार है, प्लीज़ जल्द तो जल्द जो है अपनी मदद इस परिवार तक पहुँचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।